एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास टू के बच्चों के लिए हिंदी का टर्म टू टेस्ट पेपर। इससे पहले मैंने आपके साथ इंग्लिश, मैथ और ईवीएस से रिलेटेड ऑलरेडी पेपर शेयर किए हैं टर्म टू के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो ये है पहला प्रश्न, दिए गए अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखें। यहाँ पे बच्चों को इंग्लिश में जो वर्ड्स दिए हैं ना, उसको बच्चों को हिंदी में क्या कहा जाता है वो बच्चों को उसका नाम लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है शाइन, तो शाइन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? चमक। तो हम यहाँ लिख देंगे चमक। उसी तरह से नेक्स्ट है लाफ, लाफ को हम हिंदी बोलते हैं हंसना, तो हम यहाँ लिख देंगे हंसना। उसी तरह से नेक्स्ट है फ्रेंड, फ्रेंड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दोस्त या मित्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सन, सन को हम सूरज भी बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट है रेन, रेन को हम क्या कहते हैं? वर्षा, वर्षा लिख सकते हैं या बारिश लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट, ईस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं पूरब, तो हम यहाँ लिख देंगे पूरब। नेक्स्ट है लाइक, लाइक को हम कहते हैं चाहना, तो हम यहाँ लिख देंगे चाहना। नेक्स्ट है नॉटी, नॉटी का मतलब होता है नटखट, तो हम यहाँ लिख देंगे नटखट। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए विंड है, विंड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पवन या फिर हवा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्लीन, क्लीन को हिंदी में हम बोलते हैं साफ। तो इस तरह से बच्चों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है और उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, यह बच्चों को क्लासेस में सिखाया जाता है और इस तरह की वर्कशीट दी जा सकती है। आप बच्चों को ऐसी प्रैक्टिस जरूर कराएं। अब ये है दूसरा प्रश्न, यहाँ लिखा है सही विकल्प चुनकर टिक का निशान लगाएं। यहाँ पे बच्चों को कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके कुछ विकल्प है, इनमें से जो भी विकल्प सही है ना, क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों को चुनना है और टिक का निशान लगाना है। जैसे देखिए पहला है सुआ जैसे मिलता जुलता शब्द कौन सा है, दिए गए विकल्प में से सुआ से मिलता जुलता जो शब्द है वो बच्चों को ढूंढना है। जैसे देखिए पहला है तोता, दूसरा है मौन और तीसरा है चूहा, तो सुआ से मिलता जुलता शब्द कौन सा होगा? चूहा, क्योंकि दोनों के जो ध्वनि है वो एक जैसे है ना, तो इसे हमें टिक करना है। नेक्स्ट देखिए सबसे कैसे बोलना चाहिए, हमें सबसे किस तरह से बात करनी चाहिए। पहला ऑप्शन है मीठा, कड़वा, बुरा, तो हमें सबसे कैसे बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए, तो इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है किसकी बात माननी चाहिए, हमें किसकी बात माननी चाहिए। पहला ऑप्शन है सबकी, दूसरा ऑप्शन है बड़ों की और तीसरा ऑप्शन है दूसरों की, तो हमें किसकी बात माननी चाहिए? हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, तो इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए की शब्द वाला शब्द कौन सा है, दिए गए शब्दों में से की शब्द, छोटी की मात्रा जो की होता है ना, उसके शब्द वाला शब्द बच्चों को ढूंढना है। पहला जो शब्द है वो है कील, नेक्स्ट है चक्की और तीसरा है कीमत। तो यहाँ पे छोटी की मात्रा के साथ क लिखा गया है ना, यानी कि ये की है, तो की के साथ जो शब्द है वो है कीमत, तो ये हम टिक कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों को विकल्पों में से भी आंसर ढूंढने के लिए दिया जाता है, आप इस तरह से भी बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। अब है तीसरा प्रश्न, ये लिखा है सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पे बच्चों को कुछ वाक्य दिए गए हैं रिक्त स्थान के तौर पे, बच्चों को सही शब्द को चुनकर वाक्यों को पूरा करना है। जैसे देखिए पहला है बंदर थैला लेकर डैश, तो यहाँ पे ऑप्शन है आई या आया, तो बंदर आया होगा ना, आई नहीं होगा, क्योंकि बंदर तो पुल्लिंग शब्द है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे बंदर थैला लेकर आया, तो हम यहाँ लिख देंगे आया। नेक्स्ट है चीटी रोटी डैश, तो यहाँ ऑप्शन है लाई या लाया, तो चीटी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे चीटी रोटी लाई, तो हम यहाँ लिख देंगे लाई। नेक्स्ट है मोर नाचने डैश लगी या लगा, तो यहाँ क्या होगा? मोर नाचने लगा, तो हम यहाँ लिख देंगे लगा। नेक्स्ट है शेर डर डैश गई या गया, तो शेर हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है, तो शेर डर गया, तो हम यहाँ लिख देंगे गया। नेक्स्ट है सबने मिलकर जोर डैश लगाया या लगाई, सबने मिलकर जोर लगाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लगाई। तो इस तरह से बच्चों को शब्दों को चुनकर वाक्यों को पूरा करने के लिए दिया जा सकता है, आप ऐसे बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। ये है चौथा प्रश्न, यहाँ लिखा मिलते जुलते शब्द लिखिए। यहाँ पे बच्चों को बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे बच्चों को कुछ शब्द यहाँ पे इस साइड में दिए गए हैं, तो इनसे जुड़ा हुआ जो मिलता जुलता शब्द है ना, वो बच्चों को बॉक्स में से ढूंढना है और उसे लिखना है। जैसे देखिए पहला है ओली, तो ओली का मिलता जुलता शब्द क्या हो सकता है? पोली, बोली और रोली, तो ये तीनों को हमें यहाँ पे लिख देना है। जैसे ओली का मिलता जुलता शब्द हो जाएगा पोली, फिर बोली और रोली, तो यहां लिख देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए संग, सो संग से मिलता जुलता शब्द कौन सा होगा? रंग
तंग और अंग, क्योंकि इनके ध्वनि एक जैसे है ना, तो संग का मिलता जुलता शब्द हो जाएगा रंग, तंग और अंग, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए आरी, आरी का मिलता जुलता शब्द क्या हो सकता है, धारी, गोरी और कारी। तो हम यहां लिख देंगे आरी का मिलता जुलता शब्द धारी, गोरी और कारी। तो इस तरह से बच्चों को मिलते जुलते शब्दों को लिखने के लिए दिया जा सकता है, या तो बच्चों को खुद से लिखने के लिए कहा जाएगा या फिर इस तरह से बॉक्स के तौर पे बच्चों को चुनने के लिए दिया जाएगा। आप दोनों वे में बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। अब उसी तरह से पांचवा प्रश्न यहाँ पे है, चार पशु पक्षियों के नाम लिखिए। तो बच्चों को किन्हीं चार पशु पक्षी के नाम लिखने हैं, जैसे कोई भी पशु पक्षी का नाम लिख सकते हैं बच्चे, जैसे कौवा, कौवा क्या है पक्षी का नाम हो गया, तोता पक्षी का नाम हो गया, उसी तरह से मैना, मैना भी पक्षी का नाम हो गया, उसी तरह से हंस, हंस भी पक्षी का नाम हो गया। बात किया जाए पशु का, तो पशु में हम क्या लिख सकते हैं, गाय, बैल, बकरी और भैंस। तो इस तरह से बच्चों को पशु पक्षी के नाम बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड भी बच्चों को क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। आप ऐसे भी बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। अब पांचवा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के आगे चार चार शब्द लिखे हैं, इनमें से अलग शब्द पर गोला लगाएं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके सामने चार शब्द लिखे हैं, चारों शब्दों में से एक शब्द ऐसा है जो कि बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग है, तो उस पर बच्चों को ढूंढना है और गोला लगाना है। जैसे देखिए पहला है बारिश, तो बारिश से मिलता जुलता शब्द यहाँ पे दिया है पानी, गीला, बादल, पटना। तो यहाँ पे सबसे अलग शब्द कौन है, पानी, गीला और बादल, बारिश से जुड़ा हुआ शब्द है ना, लेकिन पटना तो बिल्कुल अलग शब्द है क्योंकि एक शहर का नाम हो गया, तो ये अलग है, इसे हमें गोला करना है। नेक्स्ट देखिए सूरज, सूरज से जुड़ा हुआ शब्द दिया है धरती, धूप, पसीना, गर्मी। तो इसमें से सबसे अलग शब्द क्या है, धूप, पसीना और गर्मी सूरज से जुड़ा हुआ है, लेकिन धरती सूरज से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, तो इसे हम गोला कर देंगे। नेक्स्ट देखिए कटोरी, तो कटोरी के लिए दिया है कढ़ाई, चूल्हा, गिलास, थाली। तो कटोरी, कढ़ाई, गिलास और थाली ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए बर्तन के नाम है ना, लेकिन चूल्हा तो बर्तन का नाम नहीं है, तो ये गोला कर देंगे, ये अलग शब्द है। उसी जैसे नेक्स्ट है पेड़, पेड़ के लिए शब्द दिया है आसमान, वृक्ष, तना, छाया। तो इसमें से अलग शब्द कौन सा हो गया, पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, तना हो गया, छाया होती है, पेड़ से छाया मिलती है, लेकिन आसमान बिल्कुल अलग शब्द हो गया, तो इसे हम गोला कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों को जैसे इंग्लिश में ऑड वन आउट दिया जाता है, हिंदी में बच्चों को इस तरह से गोला करने के लिए, भिन्न शब्द को पहचान के गोला करने के लिए दिया जा सकता है। आप ऐसे बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। अब ये है छठा प्रश्न, यहाँ लिखा है नीचे दिए गए चित्रों को गिनकर संख्या लिखे। यहाँ पे बच्चों को कुछ चित्र बना के दिए गए हैं जिनको बच्चों को गिनना है और उनकी संख्या बच्चों को दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे देखिए पहला है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये यहाँ पे जो चित्र बना है इनकी संख्या कितनी है, 13 है। तो हम यहाँ पे हिंदी में जैसे संख्या लिखते हैं ना, उसी तरह से हम 13 लिख देंगे, इस तरह से। नेक्स्ट है यहाँ पे गुलाब बनाए गए, ये गुलाब कितने हैं, 4 हैं। तो हम 4 कैसे लिखते हैं, इस तरह से हिंदी में लिखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पत्तियां बनाई गई हैं, तो पत्तियां कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हम 15 कैसे लिखेंगे, हम इस तरह से 15 लिखा जाता है, ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिकोण बनाया गया है, ट्रायंगल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम 8 कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरह से, हम ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बादल हैं, कितने बादल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम 7 कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से बच्चों को संख्या सिखाई जाती है, गिनती सिखाई जाती है, उन्हें संख्या में लिखना और साथ ही उन्हें शब्दों में लिखना, दोनों तरीके से सिखाया जाता है। आप बच्चों को दोनों तरीके से सिखाएं और प्रैक्टिस कराएं। ये है सातवां प्रश्न, यहाँ लिखा है दिए गए एकवचन शब्दों को बहुवचन शब्दों के साथ मिलान करें। तो यहाँ पे बच्चों को एक तरफ एकवचन के शब्द दिए गए, इनके जो बहुवचन वाले शब्द है ना बच्चों को दूसरी तरफ ढूंढना है और मिलाना है, यानी कि मैच करना है। जैसे देखिए किताब, किताब एकवचन शब्द है, तो इसका बहुवचन क्या होगा, किताबें, तो हम इसके साथ मिला देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आंख है, तो आंख का बहुवचन क्या होता है, आंखें। नेक्स्ट है सड़क, सड़क का बहुवचन शब्द हो जाएगा सड़के। नेक्स्ट है जूता, जूता का बहुवचन शब्द होता है जूते। नेक्स्ट है तितली, तितली का बहुवचन शब्द हो जाएगा तितलियां। गाय, गाय का बहुवचन क्या होगा, गायें। कपड़ा, कपड़ा का बहुवचन हो जाएगा कपड़े। तो इस तरह से बच्चों को एकवचन और बहुवचन पढ़ाया जाता है। आप इस तरह से बच्चों को वर्कशीट बना के मैचिंग की वर्कशीट दे सकते हैं। ये है आठवां प्रश्न, यहाँ लिखा है सही शब्द पर टिक का निशान लगाएं। यहाँ पे बच्चों को कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से जो सही शब्द है ना उस पे बच्चों को ध्यान देना है, उसे समझना है और टिक का निशान लगाना है। जैसे देखिए पहला है यहाँ पे जो शब्द है बदाल,
यहाँ पे है बादल और यहाँ पे है बदली, तो इसमें से सही शब्द कौन सा है? बादल। तो इसे हम इस तरह से टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, गुलाब, गुलाब, गुलब। तो गुलाब हम कैसे लिखते हैं? ग के साथ छोटी यू की मात्रा और ल के साथ आ की मात्रा, ब, गुलाब। तो ये सही शब्द हो गया। नेक्स्ट देखिए, तौलिया, तोलिया, तौलिया। तो इसमें से सही शब्द क्या होगा? ये इस तरह से हम तौलिया लिखते हैं जिसमें ल के साथ छोटी ई की मात्रा होना चाहिए, तो ये तौलिया शब्द सही है, इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है सरज, सूरज, सूरज। तो यहाँ पे सही शब्द कौन सा है? हम सूरज कैसे लिखते हैं? स के साथ बड़ी ऊ की मात्रा सूरज होता है। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है झेला, झूला, झूला। तो इसमें से सही शब्द कैसे है? झूला हम कैसे लिखते हैं? झ के साथ बड़ी ऊ की मात्रा रहेगा, तो ये बन जाएगा झूला। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है लड्डू, ये है लड्डू और ये है लड्डू। तो इसमें से सही तरीके से लड्डू कौन सा लिखा गया है? ये ल ड डू, तो लड्डू। उसी तरह से देखिए, यहाँ पे है अंडा, अंडा, अंडा। तो अंडा को सही तरीके से हम कैसे लिखते हैं? अ के ऊपर अंक की मात्रा, अंडा, तो ये सही हो गया। तो इस तरह से बच्चों को शब्दों को पहचानना, जिसमें कहीं भी मात्रा गलत हो सकती है, तो उसी तरह से बच्चों को सही शब्दों को पहचानना होगा, और इस तरह से बच्चों को वर्कशीट दी जा सकती है। आप बच्चों की ऐसे प्रैक्टिस जरूर कराएं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वर्कशीट्स आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर बच्चों के लिए वर्कशीट हेल्पफुल रही हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो है वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।